नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था शनिवार के दिन भोजन जब आप करते हैं, जो आप घर में भोजन बनाते हैं, उसमें थोड़े से काली उड़द अवश्य ही मिला दें। 8 दाने मिलाए यदि गिन करके, बहुत बढ़िया रहेगा। ज्यादा मिला सकते हैं चलेगा, लेकिन 8 दाने यदि आप गिन करके डाल देते हैं भोजन में, चाहे आप सब्जी में डाल दें, दाल में डाल दें, और ऐसा करने से यदि आप इस चीज को मतलब रेगुलर रखते हैं, तो आपके शनि बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। शनि का जो प्रकोप आपके ऊपर हो रहा होता है, उससे आपको तुरंत निजात मिल जाती है। शनिवार के दिन दोस्तों, यदि आप खाने में काला नमक यूज करते हैं, रोज ना कर सके कोई बात नहीं है, सिर्फ शनिवार शनिवार आप खाने में काला नमक यूज करें, या अपने मुंह में काला नमक का छोटा सा टुकड़ा रखें। ऐसा करने से आपके शनि शांत होते हैं और आपके घर में धन की वृद्धि होने लग जाती है। जो नेगेटिविटी आपकी बॉडी में है वो भी दूर हो जाती है। घर में यदि पूरा घर खाने में काला नमक यूज करता है शनिवार के दिन, तो शनि का कैसा भी प्रकोप हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों का तेल हमेशा अपनी आईब्रो पर लगाएं। आईब्रो पर सरसों का तेल लगाने मात्र से शनि का प्रकोप दूर होने लग जाता है, और शनि की नेगेटिविटी दूर होकर के पॉजिटिविटी आपके पास आने लग जाती है, और अचानक आपको बड़ा बड़ा धन लाभ होने लग जाता है। बड़ी मात्रा में आपको धन मिलना शुरू हो जाता है। शनिवार का दिन है दोस्तों, तो शनिवार के दिन चाय में अदरक डालना बिल्कुल भी ना भूले। शनिवार के दिन बिना भूले अदरक वाली चाय पिए। ऐसा करने से आपके शनि मजबूत बनते हैं। शनिवार के दिन जो भी आपके आपके हाथ के नीचे के कर्मचारी हैं, उनको चाय अवश्य पिए। शनिवार का दिन हो, अपंग व्यक्ति को चाय दोस्तों पिलाना बिल्कुल भी ना भूले। कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसको शनिवार के दिन तो बिना भूले, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी आप देखेंगे बाहर जो पब्लिक होती है, उसे आप पैसे देकर के चाय पिला दें। ऐसा करने मात्र से शनि आपके ऊपर प्रसन्न होने लग जाते हैं, और आपकी लाइफ में जो भी कले है, पैसों को लेकर के जो तकलीफ है, वो दूर होने लग जाती है। और दोस्तों, शनिवार के दिन सूखी हुई अदरक जो सौंफ है, उसको आप अपने धन स्थान में रखें और अपने पर्स में रख दें। ऐसा करने से शनि की वजह से यदि आपके घर में धन आना रुक रहा है, या शनि की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी कले है, नौकरी धंधे में कोई परेशानी है, तो वो दूर हो जाएगी। और एक अदरक का टुकड़ा दोस्तों, भले उसका छोटा सा टुकड़ा हो, अभी तो आप बाहर जाएंगे तो मुखवास की जहाँ दुकानें हैं, जहाँ पर आपको मुंह में रखने के लिए पान मसाले की जहाँ दुकानें हैं, वहां पर सूखी हुई अदरक मिलती है, नमकीन अदरक जो बिल्कुल सुखा दी जाती है, जिसको मुंह में रखने से खांसी नहीं होती है, हल्का फुल्का बुखार नहीं आता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये, तो उसका आप पैकेट रखें। और रोज यदि आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम शनिवार के दिन ये सूखी हुई अदरक अपने मुंह में अवश्य ही रखें। भले यदि आपको आपके पास सूखी अदरक अवेलेबल ना हो, तो आप जो अदरक चाय में डालते हैं, यूज करते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में रखें। जो लोग ज्यादा लंबा टाइम नहीं रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रखें, लेकिन रखें अवश्य। ये उपाय आपको सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको दोस्तों उपाय बताती हूँ, ये उपाय लाइफ चेंजिंग उपाय हैं। ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, घर बैठे आपको लाखों रुपए की आवक करवा सकते हैं, आपकी जिंदगी से कले नाम की चीज को दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं और कर लेने के लायक। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी आपको, चैनल को मजबूत बनाने वाले आप ही हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके लाइक देख करके हमारे अंदर भी मजबूती आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपको घर बैठे इन जानकारियों को फैलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है, तो अवश्य ही आप इन जानकारियों को शेयर करें।
कोई उपाय ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, कोई बात ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। काटते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।